نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل لائق ستکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق مالک اور رازق اور قادر مطلق ہے اس نے کائنات کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال ہر ایک انسان کی قسمت کے فیصلے کر دیئے تھے کس کو کیا ملنا ہے کب ملنا ہے کیسے ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے یہ میرے اور آپ کے رب کے پاس سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے پھر یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ اس رب سے اپنا یقین اور توکل اور بھروسہ مضبوط کیجئے اس نے بہت سارے راستے ایسے عطا کیے انبیاء کے ذریعے جن پر چلتے ہوئے انسان کی زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں راحتیں بھی ملتی ہیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں اور دنیا میں بہت سارے غم ہوتے ہیں لیکن اللہ ذوالجلال ان لوگوں کو غموں سے محفوظ فرما لیتا ہے وہ راستے جن کو انبیاء نے بیان کیا جن کو کتابوں نے اور آخری کتاب قرآن نے بھی بیان کیا ان راستوں میں سے ایک راستہ قناعت کا ہے حرص نہ کرے
बल्कि जो मिला है उस पे राजी हो जाए तो ऐसा इंसान कभी महरूम नहीं होता। लेकिन अगर वो हिर्स में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत में खसारा और नुकसान उसका मुकद्दर बन जाता है। जो इंसानियत के लिए इस वक्त बहुत बड़ा वायरस बन चुका है, जिस वायरस में मुब्तला होने वाला ईमान भी छोड़ देता है और आखिरत भी अपने नाकाम कर बैठता है, इस वायरस के नुकसानात को भी समझना चाहिए और इससे बचने के इलाजात भी इंसान को इख्तियार करने चाहिए। तो आज के खुतबे में हमारी गुफ्तगू का महवर बुनियादी तौर पर चार निकात होंगे। हिर्स किसे कहते हैं और हिर्स की अकसाम कौन कौन सी हैं, शैतान कैसे इंसान के अंदर हिर्स पैदा करता है, और अगर कोई शख्स हरीस बन जाए तो उसे जिंदगी के अंदर किन किन शर्मिंदगियों, महरूमियों और नुकसानात का सामना करना पड़ता है, और किस कदर इस बेचारे को कयामत के दिन भी जलील होना पड़ेगा। और चौथा और आखिरी नुक्ता, मैं और आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हिर्स किसे कहते हैं इस बात को समझते हैं। अरबी जुबान में लफ्ज़ हिर्स जो है ये हरासा यहरिस से है, और इसका एक माना तो ये होता है लालची बनना, और किसी चीज की ख्वाहिश में इंसान इंतहा तक चला जाए। और हिर्स से मुराद बद्दियानती भी है, और हिर्स से मुराद बुखल भी है। अरबी जुबान में एक लफ्ज बोला जाता है हरासा अश्शज्जतुल जिल्द, जख्म ने इंसान की जिल्द को चीर के रख दिया। हिर्स जब आ जाती है तो ये इंसान के ईमान और उसकी आजमत को चीर फाड़ के रख देता है। इसलिए उलमाए उम्मत कहते हैं वल इफ़रात फी हुब्बिल माल वल इस्तिक्सार मिन्हु دون ان يكتفي بقدر محدود। एक बंदा माल की मोहब्बत में अंधा हो जाए, धुत हो जाए, इस तरह नशे की कैफियत में चला जाए, उसके सामने फिर कोई हुदूद क़ियूद नहीं रहती बल्कि वो तमाम हुदूद क़ियूद को क्रॉस करते हुए अपना ये नशा पूरा करना चाहता है, इस कदर लालची बन जाता है, उसे बुखल करना पड़े या बद्दियानती करनी पड़े उसमें भी वो गुरेज नहीं करता। ऐसे इंसान की माल से मोहब्बत को लालच कहते हैं, हिर्स कहते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे, उनकी कुल कायनात एक खिलौना होता है, उस कायनात के पास भी हाथ भी लेके जाए तो रोने लग जाता है। वो तो बच्चा है, उसकी तो सोच बहुत महदूद है। यही कैफियत किसी बालिग इंसान की, समझदार इंसान की बन जाए जब बच्चों की आप देखते हैं कि मेरी चीज और मुझे और मिल जाए, इसको कोई हाथ ना लगाए,
रोने लग जाए, पीटने लग जाए, उछलने उबलने लग जाए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, तो ये हरीस इंसान और लालची इंसान की निशानी। हिर्स की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, हिर्स नाफ़े नफा मंद हिर्स, हिर्स फाजिअ ज़लील व रुस्वा कर देने वाले हिर्स। नफा मंद हिर्स कौन सी है? जो सहाबा किराम को हिर्स थी, सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और आके कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसे मसले के बारे में बताइए, अल्लती अहज़नतनी व असक़मतनी व अरहक़तनी, इस मसले ने मुझे तोड़ फोड़ दिया, मैं टूट गया हूं, मैं बीमार हो गया हूं, मैं गमों में गिर गया हूं, ये मेरा मसला हल कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने पूछा, कौन सा मसला जिसने आपको बीमार भी कर दिया, गमगीन भी कर दिया और तोड़ भी दिया? कहा एक ही मसला है, बताइए मैं जहन्नम से कैसे बच सकता हूं, जन्नत कैसे जा सकता हूं? ये हिर्स है सहाबा की, ये नफामंद हिर्स। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ये सवाल करे, इसको दुनिया की हिर्स तो नजर ही को नहीं आ रही। कुछ सहाबा जिनके पास माल की फरावानी नहीं थी, उन्होंने आके अल्लाह के रसूल से एक नुस्खा पूछा। आज हम में से किसी के पास माल ना हो तो हम भी नुस्खे पूछते हैं ना, कोई लाइन ही बता दो। आजकल को हालात ठीक नहीं है, ऐसे भी लॉकडाउन है, तो क्या काम करे? कोई हरज नहीं मशवरे, लेकिन मैं सोच सोच की बात कर रहा हूं। सहाबा की सोच और हमारी सोच में फर्क क्या था? सहाबा इकट्ठे होके आ गए, आगे कहते हैं ज़हब अहलुद्दुसूर बिल वुजूह, अल्लाह के रसूल माल वाले तो अजर ले गए, हम तो महरूम रह गए। पूछा वो कैसे अजर ले गए? कहते हैं वो हज भी करें, उम्रे भी करें, सदका भी करें, जिहाद भी करें, क्योंकि उनके पास माल है, हमारे पास माल नहीं है। अगला सवाल क्या है? हिर्स क्या है? ये नहीं पूछा कुछ टोटका ही बता दें ये माल हमें मिल जाए, बल्कि फरमाया ये जो अजर ले जा रहे हैं ऐसा अमल बताइए कि हम भी उनके अजर व सवाब में बराबर हो जाए। सुभानअल्लाह, आपने फरमाया इसमें परेशानी की क्या बात? तुम ऐसा किया करो, जब नमाज पढ़ लो तो सुकून से बैठ के जिक्र किया करो, और 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लोगे तो हज उम्रे सदके जिहाद जितना अजर रब ताला तुम्हें भी अता कर देंगे। सहाबा का सवाल भी खत्म हो गया, जवाब भी खत्म हो गया। हिर्स देखिए, वही कुछ हुआ, नमाज से फारिग हुए तो सहाबा बैठ गए। अमीर सहाबा उठ के जाने लगे, देखा ये बैठे हुए हैं, कहते हैं खैर है भाई। अब वो तो वो थे, वो आजकल के लोग तो ना थे कि अगर किसी से पूछा जाए, कहते नहीं नहीं लाइन तो नहीं ना बताई जाती, नहीं नहीं कुछ प्राइवेसी भी तो होती है ना, ये मेरा इंडिविजुअल मसला है। औखे सौखे चार लफ्ज बोलेंगे और उसको टाल दें,
उन्हें कहा आओ आपको भी बताते हैं हमें असल में अल्लाह के रसूल ने नुस्खा बताया था। वो भी बैठ गए, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर आ गए कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो उनके बराबर अजर करने के लिए नुस्खा पूछा था, आपने हुक्म दिया हुआ है कि इल्म छुपाया नहीं करते, तो हमने उनको भी बता दिया तो वो भी करने लग गए, अब क्या करें। फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्तीहि मन यशा, फिर ये अल्लाह का फजल है जिसको अता करता। तो हिर्स की दो किस्में हैं, एक है हिर्स नाफे नफा मन हिर्स, हिर्स करे इंसान के मैंने अपने इन 10 मिनटों में जन्नत में कितने घर बनाने। आप कुल हु अल्लाह पढ़े 3 मर्तबा तो कुरान का सवाब मिल जाता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ये पढ़े अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है जो 100 मर्तबा पढ़ते। कितने ऐसे अज़कार हैं, ये हिर्स नफा मन हिर्स है जिससे दुनिया भी बनती है और आखिरत भी संवरती है। ऐसी हिर्स तो होनी चाहिए मेरी नमाज ना निकल जाए, मेरा कुरान का वक्त जाया ना हो जाए, ये नेकी का वक्त है मैं नेकी कर लूं, मैं सदका कर लूं, खैर खाई कर लूं, अच्छा मशवरा दे दूं, किसी की मदद कर दूं। ये हिर्स हिर्स नाफे है नफा मन हिर्स, मेरी वजह से किसी को हिदायत मिल जाए। हिर्स की दूसरी किस्म है हिर्स फाजिअ, दुख देवा हिर्स, जो दुनिया में भी इंसान को दुख ही देती है और कयामत को भी ये जिल्लत का सामना करेगा। ऐसी हिर्स से अल्लाह ताला ने और कुरान ने और अल्लाह जलाल के महबूब ने रोका है। इमाम इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह ताला बयान किया करते थे कि शैतान इंसान को हिर्स की तरफ लाता कैसे है। चार बड़े रास्ते, पहला रास्ता जो है खूबसूरत बनाता है इंसान के लिए मिन जिहति कस्बिहा, के माल कमाना कैसे है, वो सारे उसूल सारे जाब्ते तुड़वा के कहता है भी कमाई करनी है ना। और आजकल एक ज़ईफ़ हदीस लोग पेश कर देते हैं अल कासिब हबीबुल्लाह, कमाई करने वाला अल्लाह का महबूब है। कभी सोचा है अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि नहीं फरमाया? आपको कहना चाहिए हलाल कमाने वाला अल्लाह का महबूब है, ये तो बात समझ आई। कमाई करने वाला तो काफिर भी है मजूसी भी है, तो सारे अल्लाह के महबूब बन गए फिर। हलाल लुक्मा तलाश करने वाला ये अल्लाह का महबूब भी होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था हलाल लुक्मा होता है तो इंसान अल्लाह का महबूब इस तरह बनता है उसकी दुआ फिर रद्द नहीं होती, अल्लाह फौरन कबूल कर लेता। साद रजी अल्लाह तआला ने आके सवाल करते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब एक नुस्खा तो बताइए, मेरा जी चाहता है जो बात मेरी जुबान से निकले वो पूरी हो जाए। आपने नुस्खा कैसा बताया? सवाल सहाबी का ये था उद्दुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अगर अल्लाह के रसूल सहाबी के लिए दुआ कर देते तो वो सिर्फ उनके लिए होनी थी, आपने पूरी उम्मत को एक नुस्खा दे दिया। फरमाया अफिद मतअनका तकुन मुस्तजाब दुआवात, अपने खाने पीने को हलाल कर लो, जो बोलोगे अल्लाह पूरा कर दे। कायदा दे दी, जिसकी बुरी हिर्स होती है वो ना तो चोरी को गुनाह समझता है, ना सूद को गुनाह समझता है, ना हराम खोरी को और ना ही गलत कारी को गुनाह समझता है। उसके सामने सिर्फ एक ही नुक्ता होता है माल आना चाहिए। ये हिर्स इंसान को पागल बना देता है, ये हिर्स ठीक नहीं। हिर्स सहाबा जैसी हो ना,
जन्नत मिलनी चाहिए, अल्लाह राजी होना चाहिए। कुछ लुटता है तो लुट जाए, यहीं रह जाना। इमाम इब्न कय्यिम फरमाते हैं दूसरा रास्ता हराम कमाई के, जिस तरह रास्तों को शैतान मुज़य्यन कर देता है, उस तरह उसे बखील इतना बना देता है वो ज़कात भी नहीं देता। कहता है कमाऊं मैं और खाएं फकीर। और कुरान की आयत भी ये है ना, अगर अल्लाह ताला ने अल्लाह इनको खिलाना चाहता तो अल्लाह खुद खिलाता। अल्लाह की मखलूक है, हमारी मखलूक है। अल्लाह ने साथ ही कह दिया जो लोग इस तरह की कलिमात बोलते हैं ना, ये तो खत्म ही नहीं होते, हमारा को ठेका है, हमारी को जिम्मेदारी है। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन मुबीन, ये वाज़े गुमराही में लोग। कुछ बात समझने वाली है, ज़कात जो है वो उसको देनी पड़ती है जिसके पास निसाब हो ज़कात का 7.5 तोले सोना हो या इसके बराबर नकदी हो, और साल गुजर जाए तो 100 में से 2.5 रुपए ज़कात देते हैं। कितने रुपए देते हैं? आपने तरबूज तो खाया हो, नहीं देखा कभी? 5 से 6 किलो का वजन करवा के लाते हैं, सच बताइए कितना खाते हैं, कितना फेंकते हैं? 2.5 रुपए पे बहुत दुख होता है। और बड़ा अक्लो दानिश बीनश वाला भी ये चीज खरीद के लाता है, उतना उसका गूदा वजनी नहीं होता जितना छिलका होता है, फेंक देते हो ना। आम को देख लो, दीगर अशिया को देख लो, वजन आप जो है वो इस बात का भी करते हो कि अच्छा जी मैंने डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि ज़हन तेज करने के लिए मुझे लोज खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए। वजन तो करवा के लाते हो 2 किलो, उसमें जो गिरी है वो कितनी निकलती है? कभी किसी को अफसोस हो? अल्लाह ने जो कह दिया है, जो उसके रसूल ने फरमा दिया है कि ज़कात असल में नुकसान नहीं है, जो ज़कात देता है बहुत सारे फवायद में से अगर उसे 3 फायदे याद रहें। पहला फायदा, इस माल की शरारत से अल्लाह मरते दम तक उसे महफूज रखे, और ये माल बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही चला जाएगा, और इसमें बरकत आएगी माशरे के अंदर भी और इसकी जिंदगी में भी। जब ये 3 फायदे किसी को ज़कात के मालूम हो जाएं तो कभी ज़कात देने से वो इनकार नहीं करते। होता फिर क्या है, जब इंसान ज़कात के लिए राजी नहीं होता तो 36-36 टैक्सों पे तो हो ही जाता। ठीक है, ठीक है, एक अल्लाह का निजाम है, उसको जब इंसान नहीं पसंद करेगा तो बाकी निजाम तो फिर आप पे आएंगे। फिर सब्र नहीं हो सकता तो फिर इस पे सब्र करो। लेकिन खैर और बरकत उसमें है जो कुरान और हदीस ने बताया है। तो इमाम इब्न कय्यिम कहा करते थे गलत हिर्स करने वाले को दूसरा रास्ता जो शैतान दिखाता है उसको बखील बना देता है। तीसरा रास्ता, वो सदका भी नहीं देता, ज़कात भी नहीं देता, बल्कि अपनी बीवी बच्चों पे भी खर्च नहीं करता जो वाजिब है। करोड़ों रुपए अपनी बीवी बच्चों पे खर्च कर दे, कयामत का दिन होगा ये सारा माल उसके नामे अमाल में सदका लिखा हुआ होगा। खर्च किस पे किया? बीवी पे, बच्चों पे। अल्लाह ताला की रहमत कितनी है, इंसान करता अपनी जरूरत पूरी है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, अल्लाह वो भी सदका ही लिख लेते। और अल्लाह के रसूल ने कसम उठाई है पूरी कायनात की सच्चाई जमा हो जाए तो अल्लाह के रसूल की सदाकत का आगाज होता है, जहां दुनिया की सदाकत खत्म हो तो फिर अल्लाह के रसूल कसम उठा ले। कसम क्या उठाई? मैं कसम उठाता हूँ जो सदका करता है अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ये भला किसकी कसम है? जिस जैसी सच्ची जुबान तो अल्लाह ने आज तक पैदा ही नहीं की और ना ही कयामत तक पैदा हो सके।
بری حرص جب ہوتی ہے تو تیسرا راستہ من حیث التکثیر بالاموال، شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ کیا ہے جو ابن القیم بیان کر رہے ہیں، بندے کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے میں افضل ہوں اس سے جس کو دے رہا ہوں، یہی دھوکہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، افضل وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے ہیں، صرف مال والے ہی اچھے ہوتے تو کافر زیادہ اچھے ہوتے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ زیادہ ہے، وہ تو رفاع عامہ پہ بہت خرچ کرتے ہیں نام بری پیدا کرنے کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فقیر جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے، کتنا پہلے جائیں گے؟ آج جہاز گاڑی سواری پہ کوئی پہلے بیٹھے نا بڑا خوش ہوتا ہے، حالانکہ جانا اکٹھے ہوتا ہے، دوڑ رہے ہوں گے تاکہ کھانا کھاتے وقت جو کہتے ہیں پہلی سیٹ پہ بیٹھوں نا، تو شاید تازہ تازہ میری طرف آ جائے، حالانکہ اس میں بھی اتنی قوت ہے، اور قوت اس نے ڈالنی ہے، برکت بھی اس نے ڈالنی ہے۔ 500 سال فقیر پہلے جنت میں جائے گا امید سے، تو صرف مال اس کے فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے شاگرد سے، بیٹا جاؤ مسجد میں جا کے دیکھو پہلی صفوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ واپسی پہ آ کے شاگرد نے کہا استاد محترم پہلی 2-3 صفوں میں غریب لوگ ہی بیٹھے۔ کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا جنت میں بھی صفیں ایسے ہی قیامت کی بننی ہیں، انہوں نے پہلی صفوں میں۔ بعض باتیں بڑا سبق دیتی ہیں، ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ہی ایک تو اتفاق سے وہ کھیلنے کے لیے عصر کے بعد کچھ ٹائم ہوتا، تو جب وہ انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلتے تو ہوگا کوئی بھائی محترم جلدی میں، تو جلدی میں خیال نہیں بھی رہتا کہ کوئی جا رہا ہے اس کے اوپر گرد نہ آ جائے، اسے نقصان نہ ہو جائے، اس نے بڑی تیزی سے گاڑی گزاری تو وہ نہ رک گیا، کہتا ہے کوئی بات نہیں جانا تو میرے بعد ہی نا 500 سال جنت میں اگر گئے بھی تو۔ اس بندے کی بات دیکھیے، کوئی حدیث نہیں پڑا تھا کہ فقیروں نے پہلے جانا، جتنا مال زیادہ ہوگا حساب بھی تو اتنا زیادہ ہوگا، جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو اتنا ہی ہوگا تھوڑا۔ تو تیسرا راستہ جو شیطان انسان کو دکھاتا ہے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ نیک لوگ کہا کرتے تھے احسان اس کا نہیں ہے جو دینے والا ہے، احسان اس کا ہے جس نے تمہارے صحیح مال کو صحیح جگہ پہ لگوا دیا، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو تم بھی حرام کام پہ لگاتے، شرابوں پہ لگاتے، جوئے پہ لگاتے، یہ اس کا احسان ہے کہ تمہارا مال پسند آ گیا، اللہ کی پسند ہے، اس لیے تو اس کو قیمتی بنا دیا۔ چوتھا راستہ جس سے انسان حرص کی ہلاکت میں چلا جاتا ہے، خرچ کرتے وقت اس کو ضابطے قانون دستور اور اصول بھلا دیتا ہے، وہ ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ مال اس کا ہے، حرص اسے کہاں ہوتی ہے، یہاں خرچ کروں گا نا مجھے شہرت ملے گی، یہاں خرچ کروں گا نا تو میرا نام بنے گا، یہاں خرچ کروں گا نا تو لوگ مجھے یاد رکھیں گے، ریاکاری، شہرت، نمود و نمائش، اس کام پہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، دین کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لگاتا، تو یہاں بھی اس کی حرص ظاہر ہوتی ہے، اور یہ نشہ اس کو کیا ہے، اللہ راضی ہو نہ ہو میرا نام اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ یہ چاروں راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حرص کے مفہوم اور اس کی 2 قسموں اور 4 غلط راستوں کے بارے میں آپ نے سنا۔ حرص کے بارے میں مذمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کے نقصانات بیان کیے ہیں، آئیے تیسرے نقطے کی طرف۔ حدیث کے الفاظ ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا،
जूं जूं कयामत करीब आ रही है, लोगों की माल पर हिर्स ज्यादा होती जा रही है। वला यज़दादून मिन अल्लाह इल्ला बुअदा। जूं जूं कयामत करीब, लोगों की हिर्स ज्यादा, जूं जूं हिर्स ज्यादा, तू तू अल्लाह से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। इस हदीस को गौर से सुनना चाहिए। हिर्स आई उतने अल्लाह से दूर हो जाए, कनात आई उतने अल्लाह के करीब हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ फरमाया था, जिस बंदे को दुनिया की हिर्स आ जाए वो ऐसा गम में चला जाता है उसे संभलना मुश्किल हो जाता है। उसके पास कितनी को ताकत है, सारी जिंदगी जिस्म को घायल करके खपा के थका के तोड़ के पैसा जमा करता है, फिर हो जाता है बीमार, वही पैसा बीमारी पे लगा देता और साथ ही कब्र में चला जाता है। क्या मिला, क्या मिला? इसलिए हिर्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए बल्कि कनात होनी चाहिए। और इसका कतन मकसद नहीं है कि इंसान कारोबार न करे, इंसान काम न करे, करे सुन्नत समझ के नशे के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहीहुल जामे की रिवायत 619, मन जालल हुमूम हम्मन वाहिदा। जिस बंदे के दिल में गामी एक है, गामी एक है, या अल्लाह आखिरत बेहतर कर दे, या अल्लाह कब्र की घाटियां आसान कर दे, हशर की हौलनाकियों से बचा ले, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। जिसको ये गम आ गया, खुशखबरी क्या है? कफाहु अल्लाहु सा'इरहु मुमीही। उसकी जिंदगी में आने वाले जितने गम होंगे अल्लाह खुद उसके खत्म कर देगा। وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ। और जिसको आखिरत का गम नहीं है तो फिर उसको एक गम नहीं होगा, दुनिया के गमों की लाइन लगी हो, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे स्टेटस का क्या बनेगा, मैं और मैं और मैं करते करते इतने गम, जो दुनिया के गमों में पड़ जाता है। لم يبال الله به في اي اوديتها هلك। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को ऐसे बंदे की कोई परवाह नहीं होती, जहां चाहे किसी खाई में गिर के मर जाए अल्लाह को उसकी परवाह ही नहीं होती। यहां रुक के एक नुक्ता है जो समझने वाला है, क्यों जी ज्यादा गम उसमें धक्के भी हैं और गम भी हैं जो दुनिया के हैं और अल्लाह की मदद भी नहीं। अगर एक ही गम दिल में पाल लें बाकी सारे गम कौन दूर करेगा? ये किसके वादे हैं? मेरे और आपके जुबान से निकली बात सच्ची है कि पैगंबर जमान की बात सच्ची है? उसकी जुबान से निकली बात से बढ़ के अल्लाह ने सच दुनिया में उतारा ही। यकीन कीजिए आखिरत के गम को अपना गम बनाइए, दुनिया की हिर्स खत्म होगी और सारे गम भी दूर। 31वीं हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह तआला यब्तलिल अब्द फीमा आता। अल्लाह ने जो माल दिया अल्लाह फिर आजमाता है, दे के भी आजमाता है, छीन के भी आजमाता है। فَإِنْ رَضِيَ مِمَّا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ, जो अल्लाह ने दिया है अगर उस पर वो राजी हो जाता है, जितना भी दिया कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं तो इसके भी काबिल नहीं था, अल्लाह मेरे तो अमाल ऐसे भी नहीं थे कि मुझे ये मिलता, तेरी रहमत, तेरी इनायत, तेरा फजल,
तेरा इनाम, तेरा एहसान है, तूने मुझे अता किया है, मैं इस काबिल नहीं था। जब ये तसव्वुर और यकीन बन जाता है, अल्लाह फौरन दो इनाम दे देते हैं, इल्ला बूरिक लहू फी व वस्सअ लहू, अल्लाह उसमें बरकत भी देते हैं और उसके माल में और वसअते फरमा देते हैं। वइल्लम यरदा, अगर वो राजी नहीं होता, कहता है क्या करूं, काम नहीं बना, इससे तो काम नहीं चलेगा, राजी नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? लम युबारक लहू फी, ये जो जितना है ना इसमें भी बरकत नहीं आएगी। वलम यजीद अला मा कुतिब लहू, और जो उसकी किस्मत में लिखा है उससे ज्यादा भी अल्लाह उसे महरूम कर देंगे, देंगे। फैसला आपके हाथ में, राजी हो जो और मिलेगा, नाराज हो जो पहला भी खत्म हो जाएगा। लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, शुक्र करोगे तो और मिल जाएगा, ना शुक्रिया होगी तो पहला भी अल्लाह छीन लेंगे। आज होता पता क्या, मामूली से कारोबार में एबीसी आ जाए तो सबसे पहले पता क्या कहते हैं, वो जो बेवा थी ना उसको मैं 200 रुपया भेजता था, बहन आइंदा महीने मैं नहीं भिजवा सकूंगा। वो जो यतीम था ना जो कुरान पढ़ रहा था, मैं आइंदा महीने आपको खर्चा नहीं दे पाऊंगा। नहीं सोचता कि शायद मेरे माल की बरकत का सबब भी ये हो कि मैंने एक ऐसी औरत की जिम्मेदारी उठाई है जिसका खामिल सर पे नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चों की परवरिश वो कर रही है, यतीम बच्चा ये बेसहारा है। वहां हम सबसे पहला जो कट फैट करते हैं, ये फैक्ट्रियों वाले कहते हैं बस जी अखराजात जो ज्यादा हो गए तो हम इस वक्त नया रूल ला रहे हैं कट फैट करने का, यानी ये जो चर्बी ज्यादा हो गई है ना इसको हमने जायल करना है। वो चर्बी किसको कहते हैं? जो दीन के रास्ते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके खर्चे पे मिस्बाह बिन असासा पलते थे, उनकी जुबान से भी कुछ कलिमात निकल गए सईदा आयशा के बारे में। जब तोहमत लगी थी सईदा आयशा के बारे में तो कहने लगे मैं ही उसको खर्चा देता हूँ और मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे। अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल के पैगंबर ने आज सुना दी, अला तुहिब्बुन अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, आपको पसंद नहीं है अगर आप उसको माफ कर दें, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उसका खर्चा जो है वो आप बंद करना चाहते हैं? सैयदना अबू बकर रोने लग गए, कहा भला मैं ये भी चाहता हूँ मेरा रब माफ कर दे, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसके खर्चे में कमी नहीं करूँगा, मैं इसके खर्चे में कमी नहीं करूंगा। कट फैट अपनी करके दिखाओ ना कि अगर मैं सुबह नाश्ता जो है वो 6000 का करता हूं तो उसको 3000 में ले आइए, उसको 1500 में ले आइए। जो दीन की अल्लाह जलाल ने बुलंदी के और खैर खाई के रास्ते दिए हुए हैं सबसे पहले उसको बंद करते हैं। उसाद रजी अल्लाह तआला के पास माल आ गया तो अल्लाह के रसूल को पता चला, को कहते हैं कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया है, तो अल्लाह के रसूल ने बुला लिया, इधर आओ। किसी भूल में ना रहना कि अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल ने तुम्हें क्यों दिया, तेरी काबिलियत की वजह से नहीं। इन्नमा तुनसरून व तुरज़कून बिदुआफाइकुम, तुम्हारी मदद भी होती है, तुम्हें रिज़्क़ भी मिलता है, तो उस वक्त जब तुम कमजोरों की मदद करते हो। साथ किसी भूल पे न रहना, तुम्हें अल्लाह ने जो माल दिया है तेरी खैर खाही की वजह से इतना दिया है, तुम लोगों की खैर खाही बड़ी। दो भाई थे अल्लाह के रसूल के जमाने में, दोनों ने तय कर लिया भी मैं पढ़ता हूँ, दूसरे का मैं कारोबार करता हूँ, पढ़ के आके तुम मुझे बता देना।
माल मैं खर्च किया करूंगा, सौदा हो गया। ये सौदा सईदन उमर ने भी किया था एक साथी के साथ, अच्छा जिस दिन मैं जाऊंगा ना तो जो मैं अल्लाह के रसूल से सुन के आऊंगा आपको बता दूंगा, जो आपको कमाई होगी हम 50-50 कर लें। फिर वो काम करते सईदना उमर तो वो ऐसा कर लेते, ये चलता था। तो एक दिन वो साथी जिसने सौदा किया था अपने भाई के साथ, न जाने कैसे सोच आ गई, जैसे आजकल भी सोच आती ना, लो सारा दिन खपे हम और ये जो मसीतड़ जो बैठा है खाए, ये चार से छह भाई होते हैं, एक दीन पे लगा होता है, बाकी कमाई कर रहे होते हैं, उनके जेब में भी ये सवाल आता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये बात आ गई, तो उसने कहा भी कमाता तो मैं हूँ, अल्लाह के रसूल ने बुला लिया, कहते इधर आओ, لعلك ترزق بي, मेरा जी चाहता है ये लफ्ज अब याद कर ले, لعلك ترزق به, भूल में ना रहना तुम्हें जो कुछ मिल रहा है उस बंदे की वजह से मिल रहा है जो दीन सीख रहा है, तुम उस पर खर्च कर। لعلك ترزق, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया का गम ले लेता है वो सारी जिंदगी गमों में रहता है, जो आखिरत का गम ले लेता है अल्लाह जुल जलाल उसके सारे गमों को अपने जिम्मे ले लेते हैं। एक और धोखा शरीयत ने दूर किया है, ये भी दूर होना चाहिए। रिवायत है सहीह अल जामे की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1781 इन्ना अनज़लना अल माल लिइकामिस सला व ईताइज़ ज़का, हमने अगर लोगों को माल दिया है तो पहला काम वो ये करें कि नमाजें कायम करें, और नमाजें कायम करने का बंदोबस्त करें, इसलिए माल दिया है कि वो ज़कात दें, मुआशरे के अंदर बकिया जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो और इनके माल में और बरकत आ जाए और इन्हें माल की शरारत से बचा लिया जाए, गोया पूरे मुआशरे में खुशहाली आ जाए। साथ ये फरमाया وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جُوفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ। तजर्बा कर ले, दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है ना उसको वादी कहते हैं, अगर ये सारी की सारी वादी सोने की हो और बंदे को मिल जाए, ये पता क्या कहता है, और नहीं यार एक तो और होनी चाहिए, इसको एक और वादी दे दो, कहेगा नहीं एक तो और होनी चाहिए। साथ ही अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया इसका पेट भरेगी तो कब्र की मट्टी भरेगी उससे पहले नहीं भरेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बुरा बर्तन जो इंसान दुनिया में भरता है वो पेट है, जिसमें हराम लुक्मा लेके जाता है। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं वला यमलाउ आइन इब्न आदम इल्ला तुराब, सही बुखारी की रिवायत है 6437, इंसान की आंख का डेला पुर नहीं होता है इसको मट्टी भरे। कहने वाले ने एक शेर कहा है कूजा चश्मे हरीसा पुर नशुद ता सदक कानि नशुद पुर दर नशुद, के हरीस बंदा बन जाए तो उसकी आंख का डेला कभी पुर नहीं होता। भी वैसे सच्ची बताइएगा, रियलिस्टिक होगा, जिस बंदे के पास बहुत सारा माल है उसको मजीद अपने आप को जलील करने की जरूरत है। हदीस में तो आता है जिस बंदे के पास माल इतना हो मा युगद्दीहि व मा युअश्शीहि कि वो सुबह का खाना खा सकता हो और शाम का भी खाना उसके पास मौजूद हो और वो सेहतमंद हो तो इसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ 10-20-30 दिन का हमारे पास भी खाना होगा ना, तो हमारी भी तमन्नाओं का रुख किधर होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اسی بات کو شاعر کہتا ہے کہ آنکھ کا ڈیلا پر نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا وہ سپیاں نکلتی ہیں سمندر سے اس طرح؟ وہ کہنے والے لکھاری لکھتے ہیں، تجربات ان کی ہیں کہ وہ جی جب نقطہ انجماد پہ پہنچتی ہیں نا، وہ جھاگ اکٹھی ہو کے تو شبنم کا قطرہ سحری کے وقت ایک جب گرتا ہے نا، اس کے اندر جو جماؤ ہوا ہوتا ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے، وہ سمندر کی تہ میں جا کے موتی بن جاتا ہے۔ اگر ایک پہ صبر نہ کرے، منہ بند نہ ہو، تین چار قطرے گر جائیں تو پھٹ جاتے۔ وہ دس دس بیس بیس پچاس روپے کی وہ کیرنگ بنا کے چابی ڈالنے والی وہ بچے لے رہے ہوتے ہیں اور بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑی چیز پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے پھر موتی بناتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اور آج یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، صحیح بخاری کی روایت ہے 6421، یحرم ابن آدم وتشب اثنتان، بندہ بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ ہاں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، وہ کون سی؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ ایک مال کے حرص جوان اس کی ہو جاتی ہے، اور ایک عمر کی حرص کے مجھے اور کچھ 4 سال مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہرائی سے یہ باتیں سمجھا دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی 6420، کہ بندہ جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں دل بڑا ہی جوان رہتا ہے، وہ طول العمل، لمبی امیدوں میں بھی دل جوان رہتا ہے، لیکن خود وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ یہ دل کی جوانی دین کی طرف لے آئے، اللہ یہ دل کی جوانی دین کی طرف لے آئے۔ جس طرح صحابی قبیصہ آئے کہ اللہ کے رسول بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بریک ہو گئی ہیں، سوچتا ہوں دنیا سے جانے والا ہوں، ایک نقطہ بتا دیجئے کہ میرے بڑھاپے میں میرے کام آ جائے، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ کہا قبیصہ علم سیکھ لو، جہاں سے گزرتے جاؤ گے نا، وہ درخت ہوں یا پتھر ہوں، وَبَرِنْ وَلَا مَدْرْ، کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر قیامت کو تیرے لیے گواہی بھی دیں گے کہ دین پڑھنے گیا۔ اور یہ اذکار کر لینا، 7 اذکار بھی بتا دیجیے۔ حرص انسان کے اندر جب آتی ہے تو انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کعب الاحبار کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ کیسا انسان تھا، یہ اسلام سے پہلے بھی بڑا مقام رکھتا تھا ان لوگوں کے نزدیک، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو بڑا کمال دیا۔ عبداللہ بن سلام کو بھی کتنا کمال حاصل تھا، اللہ نے کیسا کمال اسلام میں دیا۔ عبداللہ بن سلام سے صحابی کعب نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ من ارباب العلم، ارباب علم و دانش کون ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکے یہ ہیں علماء، یہ ہیں علم والے، یہ ہیں معرفت و عرفان والے؟ کس قدر خوبصورتی سے جواب دیا، کہا الذین یعملون به، جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں نا، سچے عالم ہوتے یہ، انہی کو ہی علماء ربانی کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا، فما اذهب العلم عن قلوب العلماء بعد ان علموه، اچھا علم والا بھی بندہ ہو اس کے دل سے علم کھینچ کے کون سی چیز لے جاتی ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، الطمع وشرح النفس، جب لالچ اور طمع آ جائے تو پھر علم دل سے اٹھ جاتا ہے، جب دل اتنا کچا ہو جائے۔ وطلب الحوائج الى الناس، رب سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، دنیا کے تعلق مضبوط بناتے بناتے۔ تو یہ علم جو ہوتا ہے جب حرص اور لالچ آتی ہے تو یہ بھی دل سے ختم ہو جاتا ہے۔
तीसरा नुकसान जो हरीस इंसान होता है अपनी ख्वाहिश का गुलाम होता है। इमाम इब्न कय्यिम कहा करते थे लिस्सुल हिर्स ला यमशी इल्ला फी ज़लामिल हवा। हरीस इंसान ये ख्वाहिशात के साए तले चलता है, इसके बगैर चलते ही नहीं। ख्वाहिश पूरी होगी तो चलता रहेगा, ख्वाहिश पूरी नहीं तो खत्म। और कुरान कहता है أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة। क्या ख्याल है जो ख्वाहिश का गुलाम बन जाए। कुरान कहता है सारी दुनिया का इल्म उसके पास होगा ना, ख्वाहिश का गुलाम है। इस वजह से इल्म के बावजूद भी हम उसे गुमराह ही रखते हैं। अल्लाह हिर्स से बचा दे, अल्लाह हमें हिर्स से बचा दे। मन इत्तबा हवाहु नल अदुहु मुनाहु, जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम बनता है शैतान दुश्मन है, बल्कि उसका हर दुश्मन उस पर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता है। इसी ख्वाहिश का गुलाम नहीं बनना चाहिए। मन चाहिए जिंदगी से रुकना चाहिए, रब शाही जिंदगी को इख्तियार करना चाहिए। चौथा नुकसान हिर्स का ये है, ये गुनाहों की बुनियाद और जड़ है। हिर्स आई नहीं, बंदा गुनाहों पे चला नहीं। الحرص موصول بالطمع। अबू सईद कहा करते थे हिर्स इंसान में तमा पैदा करती है। والطمع موصول بالعمل, और तमा इंसान को लंबी उम्मीदें दिलाता है। والعمل موصول بالشهوة, और जब लंबी उम्मीदें आ जाए तो इंसान शहवतों में पड़ जाता है। والشهوة موصولة بالشبهة, और शहवतें आ जाए तो दीन में शुबे का शिकार हो जाता है। शुबहत मौसूलतुन बिल हराम, और शुबहात दीन में आ जाए तो फिर हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है। वल हराम मौसूलन बिन नार, और फिर ये हराम खाने वाला जहन्नम में जा गिरता है। शुरू कहां से हुआ? हिर्स से। कहां जाके रुका? जहन्नम किया। पांचवा नुकसान, हातिम अल असम कहा करते थे बुराई की तीन जड़े हैं, इनको छोड़ दो बुराइयों से बच जाओगे। अल किब्रु वल हिर्सु वल हसदु, तकब्बुर ना करो, हसद ना करो, हिर्स ना करो। तकब्बुर हिर्स हसद से बाज आ जाओ तुम गुनाहों से बचे रहो। अल्लाह जल्ल जलाल हमें महफूज फरमा दे। पांचवा नुकसान, इंसान जब हिर्स करता है तो फकीरी उसके घर में डेरे डाल दे। हदीस में आता है जिसको अल्लाह ताला पे एतमाद हो जाता है अल्लाह उसे फौरन तीन इनाम देते हैं। पहला इनाम जाला गिनाहु फी कल्बी, अल्लाह उसके दिल को इतना बड़ा कर देते हैं गनी। कुछ भी नहीं होता, कहते फिर क्या हुआ मेरा रब मेरे साथ, कोई टेंशन ही नहीं। और दूसरा इनाम जमा लहु शमला, उसका हर काम इस कदर मुरतब और मुनज्जम कर देते हैं वो दुनिया का नमूना बन जाए। और तीसरा इनाम वातहु दुनिया वही रागिमा, मालिक के सामने गुलाम सवारी को लुगाम डाल के ला के खड़ा करता है, मालिक से कहता है बैठ जाओ। अल्लाह दुनिया में उसके सामने इसे ला के खड़ी कर देते हैं, उसको दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ता, खुद आ जाती है। लेकिन अगर हरीस बन जाए तो तीन सजाएं भी उसको मिलती हैं। पहली सजा फर्रका अलैहि शमला, उसकी जिंदगी बेमुरत्तब हो जाती है। सुबह का और ड्यूटी, ओवर टाइम, पता नहीं क्या, बस जी बिल ही पूरे नहीं होते। बिल तो कभी भी पूरे नहीं होंगे, ये तो अल्लाह ने करने, क्योंकि बिलों में तुम पड़ गए हो तो बिल में तो अंदर जाते जाते पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। फिर किस्मों किस्मों की बिलें होती हैं, अभी बिल भी किस्म किस्म के ऐसे ही है। जब इंसान अल्लाह के साथ नहीं जुड़ता तो दुनिया के बिलों का दुनिया तो मुकाबला नहीं कर सकती। ये तो अल्लाह की ताकत, अल्लाह की रहमत जब नाजिल हो तो इंसान के लिए हर काम आसान हो जाए। दूसरी सजा जअल अल्लाह फक्रहु बैन आइनैही,
उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लफ्ज आता है, फकीरी, मर गए, लुट गए, टूट गए, उजड़ गए, कुछ बचा नहीं। हर वक्त रोता ही नजर आएगा हरी, और उसको समझ ही नहीं आती। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें महफूज फरमाए। और तीसरा नुकसान, वलम यातीह मिन अद-दुनिया इल्ला मा क़ुदिर लह, मिलेगा वो जो लिखवा के आया है। छठा नुकसान हिर्स का ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिसको अल्लाह ने कुछ दिया है या मैंने दिया है, जो अल्लाह ने मुझे अता किया, खुश होकर लेगा, बरकत आएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है 1037, लोगों जिसको मैं भी दूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है और वो खुश नहीं होता, हिर्स करता है, तो वो ऐसा है कल्लदी याकुलु वला यशबा, जो खाता तो है शेर नहीं होता, रोता ही रहेगा। मोहम्मद मुस्तफा के मुबारक हाथ से भी उसे मिले, अगर वो हिर्स करेगा तो सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, उसको कभी शेर होना नसीब नहीं। सातवां नुकसान, जिंदगी में हमेशा गम उसके पास रहते हैं जो हरीस होता है दुनिया का। किल्लतुल हिर्स व तमअ तूरिसुस सिदक वल वरअ, हिर्स खत्म हो जाए, तमा खत्म हो जाए, तो इंसान में सच बोलना आ जाता है, इंसान में तक्वा आ जाता है। व कसरतुल हिर्स व तमअ तूरिसु कसरतल गम वल जज़, इब्राहिम रहम कहते हैं, और अगर हिर्स ज्यादा हो जाए ये इंसान उतने ही गम इकट्ठे कर लेता है। हिर्स तो पूरी नहीं होती। साइकिल है, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, अच्छा गाड़ी होनी चाहिए, तो छोटी है बड़ी होनी चाहिए, नहीं नहीं अब तो अपने हेलीकॉप्टर होना चाहिए, जहाज मिल गया है, अब पता नहीं क्या चाहिए, मरीख में जाके रहना पड़ेगा इस बेचारे को, कि चलो अकेला रहूं, पता नहीं वहां को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। दावे जो करने वाले बड़े दावे करते हैं, वो जी चांद पे यूरिया गैगरीन के पता नहीं कौन गई थी, तो ऐसे हुआ वैसे हुआ। जो राहत मेरे रब ने दुनिया में मोमिनों को अता की है वो किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। सुफयान सौरी कहा करते थे, लोगों हमारे दिलों में इतनी राहत है, لو علم الملوك ما في قلوبنا لجادلونا بالسيوف, अगर बादशाहों को पता चल जाए कितने सुकून में जिंदगी गुजार रहे इलम वाले, तो बादशाह तलवारें लेके इनके पीछे लग जाए, इनको फिर भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो भी इबादत और इलम की तरफ नहीं आए। आठवां नुकसान, हरीस आदमी अल्लाह का जिक्र से महरूम हो जाता है, नहीं करता, उसकी सोच ही खत्म नहीं होती, जिक्र कैसे करे। इजा अस्बह العبد وامسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله عنه حوائجها حوائجه كلها, जो बंदा सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह सारे गमों को खुद ही जिम्मेदारी उसकी ले लेते हैं कि मैं पूरे करूंगा। और जो बंदा ऐसा नहीं करता और उसके दिल को अपने जिक्र के लिए अल्लाह फिर फारिग कर देती है, अब जिक्र करो जुबान को भी फारिग कर देते हैं, और जो बंदा सुबह शाम गम लेके फिरता है, तो अल्लाह अज़्ज़ोजाल कहते हैं चलो हिम्मत करो इनका मुकाबला करने के लिए, दिल भी गमों से भरा है, जुबान भी उसके तस्करों से भरी है, जिक्र करता नहीं, अल्लाह कहता है जोर लगा दे कुछ, शायद तुम पूरे कर लो, हिम्मत लगाओ जरा, लेकिन कभी पूरे नहीं कर सके। मुकाबला दुनिया का ये कैसे करेगा, कमजोर सा इंसान है, इसकी कमजोरी ताकत में बदल सकती है, तो किसकी रहमत के साथ। उसका जिक्र, उसके कलाम की तिलावत, उसके तस्करे से इंसान में कुव्वत और पावर आती है, और साथ अल्लाह गम खुद ब खुद दूर कर देते हैं, इसको कुछ और लगाना भी नहीं पड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, हरीस इंसान का दीन जो है बर्बाद हो जाता है। आपने फरमाया, मा ज़िबानी जाएआनी उरसिला फी गनमिन बिअफसद लहुमा बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मरई अलल माली वश्शरफ लिदीनी, सहीह जामे की रिवायत 5620। दो ऐसे भेड़िए हैं, जिस जगह आ जाएं उतना दुनियावी भेड़िए नुकसान नहीं करते,
जानवरों का अगर किसी रेवड़ में छोड़ दिया जाए, जितने ये दो भेड़िए नुकसान करते हैं, जिसके अंदर हिर्स आ जाए कि ओदा मुझे मिले, कुर्सी मुझे मिले, या उसके अंदर हिर्स आ जाए माल ये मुझे मिले, ये दो भेड़िए उतना दीन का नुकसान करते हैं उतना बकरियों के रेवड़ में असल भेड़िया नुकसान नहीं करता, हिर्स की वजह से कि ये ओदा मुझे मिलना चाहिए। और सहाबाए किराम के अंदर तो ये हिर्स नहीं थी, वो तो वास्ते दिया करते थे सरफ सालहीन, अल्लाह का वास्ता है मुझे जिम्मेदारी ना देना, अल्लाह का वास्ता है मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मदद करूंगा आपके, आपके साथ रह के काम करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको ये बातें समझने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना الحمد لله على احساني والشكر له على توفيقي وامتناني اما بعد میرے معزز اور پیارے بھائیوں اور بزرگوں ہرس کیسے ختم ہوگی وقت ختم ہو رہا ہے میں صرف پانچ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلا طریقہ ہرس ختم کرنے کا صبح اور شام اور چلتے اور پھرتے چھوٹا سا کلمہ اپنی زبان پہ لے آؤ اللہ ہرس کی صفائی کرتے رہے چھوٹا سا کلمہ لے آؤ ہرس دل سے کریت کریت کے اللہ نکالتے رہیں گے اور وہ کلمہ کیا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ یہ دھلتا جائے گا دل دوسرا طریقہ جیسے ہرس ختم ہو جائے گی دنیاوی معاملات میں اپنے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو نچلے والے کی طرف دیکھو آج رونا اس بات کا ہے کہ آج میرے ڈیڈی جو ہے مجھے فلاں ہوٹل میں نہیں لے کے گئے اس کو یہ تو سوچنا چاہیے کتنے گھر ہیں جنہوں نے دو دن سے کھانا کھایا نہیں اپنے نچلے سے دیکھو نیکی کے معاملے میں اپنے اوپر والے سے دیکھو دنیاوی معاملے میں نچلے کو دیکھو کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ جوتی میں لینا چاہتا تھا پہلے بھی چھ جوتیاں ہیں بلکہ بیگمات کے بھی یہی جھگڑے ہوتے ہیں وہ جانا تھا گیدرنگ پہ یہ تو پہنی تھی میں نے پہلے ایک مرتبہ تو دوسری مرتبہ پہنے سے کبیرہ گناہ ہو جائے گا وہ بھی آپ کی ہے دوبارہ پہن نہیں نہیں اس نے جوتی نہیں لے کے دی میں نے رہنا ہی نہیں ہے اس گھر سے اللہ کی نیک بندی جو ایک جوتی پہ جا رہی ہے تم کسی گھر میں بھی نہیں رہنے کے قابل اور تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تمہیں رکھا جائے اگر صحیح بخاری کی روایت کو مانا جائے اللہ کے رسول ابراہیم نے بیٹے سے آ کے پوچھا تھا اس کی بیوی سے سناؤ کیسے حالات اس نے کہا بس گزارا ہے کبھی شکار آ جاتا ہے کبھی نہیں جاتے کہاں میرا بیٹا آئے کہہ دینا غیر عتبت بابک اے میرے بچے اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو بیٹا گھر میں آپ نے کہا جاؤ تم اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں شکرے لوگ کبھی بھی نہیں بستے اس کو دیکھو جس کا پاؤں ہی نہیں ہے تم نے جوتیوں کے رونے پڑے اس کو دیکھو جو چل ہی نہیں سکتا تیسرا طریقہ جس سے ہرس مر جاتی ہے انسان کی اللہ رب العزت پہ یقین کیجئے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا جب تک آخری قطرہ پانی کا اور آخری لقمہ رزق کا میرے معزز میرے محترم میں نے اور آپ نے کھانا لیا موت نہیں آنی یہ اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں اس سے پہلے موت نہیں آئے گی تو ہرس کے سیر وہ آنا ہی ہے لا يردہ کراہیت کارے ولا يجرہ حرس حریص زیادہ کسی کی حرس اس کو لا نہیں سکتی اور کوئی نام بھی چاہے تو یہ اللہ نے دینا ہی دینا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کڑیاں ڈال کے جنت میں لے جائیں گے وہ روئیں گے آپ ہم سے مزاق تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے تو ایسے ہمارے لئے اللہ کہیں گے آپ کو لے جانا ہی جنت میں تو اللہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے کچھ چاہے نہ چاہے چوتھا طریقہ کبھی اپنے لیڈر کی بھی بات یاد کر لیا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن مسلسل صحیح مسلم کی روایت ہے 797 ما شبع رسول اللہ ثلاثت ایام تباعا من خبز تین دن مسلسل روٹی کے ساتھ اللہ کے رسول سیر نہیں ہو رہے اللہ کے پیارے پیغمبر وما اقل خبزا مرققا حتی مات صحیح بخاری کی روایت ہے 6450
अल्लाह के रसूल ने मरते दम तक ये घी में भुनी हुई जो रोटी आज पराठा और तरह तरह की चीजें हम खाते हैं जिंदगी में नहीं खाई। हालात ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ौजा मुतहरा जो जन्नत में भी बीवी है दुनिया में भी थी सईदा आयशा कहती है पूरा पूरा महीना हमारे घर में आग नहीं जलती, हम खजूर और पानी पे गुजारा करते थे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा जरिज़्क आल मुहम्मदिन कूता, अल्लाह बराबर बराबर रिज़्क देना, ना इतना थोड़ा देना कि किसी से मांगे, ना इतना ज्यादा देना कि तुगिया नहीं आ जाए। और आखिरी बात, एक दुआ याद कर लो, अल्लाह हिर्स से बचा देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع, अल्लाह ऐसे इल्म से मुझे बचा जिसका नफा ही कोई ना हो, वो सिर्फ आधा पाओ कागज का वजन ही हो, ये डिग्री है ये डिग्री है, उसका नफा ही ना हो, ना दुनिया में ना आखिरत में। ومن قلب لا يخشع, अल्लाह ऐसे दिल से भी बचा जिसमें अल्लाह तेरा खौफ ना हो, दिल बड़ा बहादुर है लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं। ومن نفس لا تشبع, अल्लाह ऐसे नफ्स से भी बचा जो शेर ही ना हो, मिलने के बाद भी रोता ही फिरे। ومن دعاء لا يستجاب لها, अल्लाह ऐसी दुआ से भी मैं पना मांगता हूँ जो कबूल ना हो, अल्लाह वो दुआएं हमें सिखा जो कबूल हो जाए। मेरी अल्लाह से दुआ।